अडानी ग्रुप की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक बुरी खबरें उनके लिए आ रही हैं। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आई, इसके बाद से कंपनी की मुश्किलें बढ़ गई। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप करीब 100 अरब डॉलर गिर चुका है। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की पिछले हफ्ते आई एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें दावा किया है कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी कर रहा है। इसके बाद क्या था, कंपनी के शेयर्स धड़ाधड़ कर गिरने लगे। कंपनी को अब एक झटका लगा है। एक्सचेंज ने उनकी कंपनियों पर निगरानी बढ़ा दी। एनएससी ने कंपनी के 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म एएसएम लिस्ट में शामिल कर लिया है। अडानी की 3 कंपनियों के शेयरों को शॉर्ट टर्म के लिए एडिशनल सर्विलांस मेजर्स की लिस्ट में डाल दिया गया। इन स्टॉक्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है। अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट को एनएससी ने एएसएम में डाल दिया है। आपको बता दें कि एडिशनल सर्विलांस एक तरह की निगरानी होती है, जिसमें मार्केट के रेगुलेटर सेबी और मार्केट एक्सचेंज बीएसई एनएससी इस पर निगाहें बनाकर रखते हैं। इसका मकसद निवेशकों के हितों की रक्षा करना होता है। जब किसी शेयर में मैनिपुलेशंस या फिर ज्यादा ट्रेडिंग होने से कीमतों में भारी एक्शन देखा जाता है, तो उन शेयरों को एएसएम में डाल दिया जाता है। एडिशनल सर्विलांस मेजर्स यानी एएसएम एक प्रकार की निगरानी होती है, जैसे मार्केट रेगुलेटर एसईबीआई और मार्केट एक्सचेंज बीएसई एनएससी की जाती है। इसका मकसद निवेशकों के हितों की रक्षा करने से होता है। समूह की 3 कंपनियों के शेयरों पर निगरानी बढ़ा दी गई। वहीं दूसरी ओर बुधवार को अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को रद्द कर दिया। इसके बाद आरबीआई ने सभी सरकारी बैंकों से यह भी जानकारी देने को कहा कि उन्होंने अडानी ग्रुप को कितना कर्ज दिया है, जैसा कि जिसके परिणाम स्वरूप देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अडानी समूह की कंपनियों को 21,000 करोड़ रुपए यानी कि 2.6 बिलियन डॉलर का लोन दिया। गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ। आपको बता दें कि अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर का मूल्य करीब 60% गिर चुका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।